टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। चलिए सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक। मेरे मुस्लिम बहन भाइयों फैमिली को सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद की खुशियाँ आपको अल्लाह नसीब करे। चलिए सबसे पहले आज की अच्छी बात। जिंदगी में अगर दुख ना आए तो सुख की अहमियत कौन समझेगा? अंधेरी रात अगर ना आए तो सूरज की कदर कौन करेगा? चलिए ये तो हो गई अच्छी बात। अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है बड़े ही मज़ेदार से शामी कबाब, बीफ शामी कबाब, रेशा शामी कबाब। जी, इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है 1 किलो बीफ का गोश्त। इसको मैंने बारीक बारीक ऐसे कट कर लिया। 1/2 किलो चने की दाल, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, 1 टेबल स्पून मैंने ली है लाल गोल मिर्चें, 1 टेबल स्पून मिक्स गरम मसाला, इसमें सारी चीज़ें मिक्स हैं आप देख सकते हैं, 2 टीस्पून नमक, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया, 10 से 12 अदद लहसुन के क्लोव्स। चलें अब स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले मैंने एक पैन में 4 से 5 ग्लास पानी डाल लिया। अब इसमें मैं ऐड करूँगी गोश्त, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। ये गोश्त गया हमारा। इसके बाद जाएगी हमारी चने की दाल, ये हमारा लहसुन गया, देन अदरक, नमक, साबुत लाल गोल मिर्चें, गरम मसाला एंड हरी मिर्चें। अब इसको हम 1 घंटे के लिए ढक देंगे। ये देखिए सारे हमने मसाले इसमें ऐड कर दिए। अब इसको हम 1 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। ये देखिए, ये जो हमने अच्छा सा गोश्त को बॉईल किया था ये बिल्कुल हमने ड्राई करके इसको पीस लिया है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल किस तरीके से हो चुका है। ये देखिए हमारे कबाब का गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको हम मैरिनेट करते हैं। इसमें डालूंगी मैं 1/2 बाउल पुदीना और 1/2 बाउल है धनिया, हरा धनिया फ्रेश, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें बारीक मैंने चॉप कर लिए, और 2 स्मॉल साइज की प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया। ये देखें, अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब इसके हम बनाते हैं शामी कबाब, बहुत ही मज़ेदार से दावतों की शान शामी कबाब। ये देखें, आप अपने हिसाब से छोटे बड़े रख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। ये देखें इस तरीके से, इट्स माय फेवरेट डिश। ये अच्छा सा शेप दे दें इसको इस तरीके से। ये रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। साइड में रखते हैं, दूसरा बनाते हैं। दूसरा भी यही प्रोसेस होगा इसका। आपके घर में दावत हो और शामी कबाब ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे घर में तो मस्ट शामी कबाब ज़रूर ज़रूर ट्राई करते हैं हम लोग। सबको फेवरेट है ये, सबको बहुत पसंद है। और किसको पसंद नहीं होता, आपको भी बहुत पसंद होंगे, है ना। ये देखें सारे इसी तरीके से बनाते हैं। ये देखें कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, मैंने सारे एक साथ बना के रखे। चलें अब इनको फ्राई करते हैं हम। ये देखें एक फ्राई पैन में मैंने ऑयल गर्म कर लिया 2 से 3 टेबल स्पून। अब हम क्या करते हैं, पहले हम कबाब को अंडे में फ्राई करेंगे। ये देखें इस तरीके से, ये अब इसको हम फ्राई पैन में ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से सारे में इस तरीके से अंडे में डिप कर कर करके इसको फ्राई करूंगी। ये देखें ये गया। ये देखें सारे मैंने इसमें
डाल दिए हैं फ्राई करने के लिए। अब एक साइड से कलर आने तक हम वेट करेंगे। तकरीबन 2 मिनट हमें इसको अच्छे से फ्राई करना है इस साइड से, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए इसमें, और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। ये देखें, चेक करते हैं हम। ये देखें, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। एक एक करके मैं सारे टर्न कर दूंगी इस तरीके से। ये देखिए, अच्छा सा कलर आ गया नीचे ऊपर दोनों साइड। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाह, ये देखें इसको निकालते हैं। देखें, अब निकाल के मैं बाकी के भी इसी तरीके से फ्राई कर लूंगी। ये देखें, बाकी के भी मैंने इसमें तेल में फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। ये देखें, अब इसको टर्न करते हैं। ये देखें, ग्रीन कलर आ गया इसमें। ये देखिए, चलें इसको फ्राई करके फिर मैं आपको फाइनल प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ इसकी। ये देखें, मज़ेदार से बीफ शामी कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़े की इसमें से खुशबू आ रही है और बहुत मज़े के बनते हैं। आप मस्त ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसे बने हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर से आपसे मुलाकात होगी किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। लव यू ऑल।